हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, पेंसिल यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब कितने प्रकार का पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ पेंसिल। पेंसिल के कितने प्रकार हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे टाइप्स के पेंसिल का यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली हम हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड किए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस पेंसिल को 18 ग्रेड में बांटा गया है। हार्डनेस के अनुसार, मतलब उसके कठोरता के अनुरूप में पेंसिल को 18 भाग में बांटा गया। इसको देखिए, 9H, 8S, 7S, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये टोटल 18 हो गए। 18 प्रकार के, 18 प्रकार के पेंसिल होते हैं। यहाँ H का मतलब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, H मतलब हार्डनेस होता है या हार्ड होता है। B मतलब होता है ब्लैक, और यहाँ पर यफ दिया है, यफ का मतलब होता है यफ आई आर एम। तो आइए देखते हैं पेंसिल को कितने भाग में बांटा गया। पेंसिल को मेनली तीन पार्ट में बांटा गया है, एक हार्ड ग्रेड, एक मीडियम ग्रेड और एक सॉफ्ट ग्रेड। मतलब तीन प्रकार के पेंसिल को, 18 हैं, इनको भी कैटेगराइज किया गया है फर्दर थ्री पार्ट में, हार्ड ग्रेड, सब मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड। हार्ड ग्रेड में आप देखिए कौन कौन सा आते हैं, 9H आता है, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। मीडियम ग्रेड में कौन सा आता है, 3H, 2H, H, F, HB, B। सॉफ्ट ग्रेड में कौन सा आता है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये फर्दर तीन भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, जो भी थ्री पार्ट हैं जैसे हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड है, इसको भी आगे और भी पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं पहले हम हार्ड ग्रेड। हार्ड ग्रेड में क्या है, हार्ड ग्रेड में 9H हार्डेस्ट होता है। जो 9H होता है वो बहुत ही हार्डेस्ट होता है, मतलब उसको आप खींचेंगे तो उससे बहुत ही बारीक लाइन खींचा जाएगा। और यहाँ देखिए 8S, 7H, 6H, 5H, 4H, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, मतलब इससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है। अब आते हैं हम मीडियम ग्रेड में। मीडियम ग्रेड में 3H को बोला जाता है वेरी हार्ड, मतलब थोड़ा सा, मतलब बहुत हार्ड, उससे मतलब कम होगा। 2H को हो जाता है मॉडरेटली हार्ड, H मतलब हो जाता है हार्ड, यह मतलब होता है फर्म, HB मतलब मीडियम हार्ड, B मतलब मॉडरेटली सॉफ्ट एंड ब्लैक। यहाँ से ब्लैक कलर का स्टार्टिंग होता है, मतलब ब्लैक कलर शो करना स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखिए 2B को होता है सॉफ्ट एंड ब्लैक, 3B जो होता है वो वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक होता है, 4B 5B 6B वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक होता है, 7B जो होता है वो सॉफ्टेस्ट होता है। अब यहाँ बताना चाहेंगे 3H का, मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ पेंसिलें हैं जिनका ज़्यादातर से यूज किया जाता है, 3H हो गया, 2H हो गया, H हो गया और HB हो गया, और B का भी प्रयोग किया जाता है लाइन को शो करने के लिए, जहाँ हार्डनेस को शो करना रहता है, जैसे ब्लैक कलर का जो बोल्डनेस को शो करना रहता है वहाँ पर B कलर का प्रयोग किया जाता है। तो 3H का जो होता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन एंड डायमेंशन लाइन और सेंटर लाइन, ये जो 3H का प्रयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए किया जाता है, डायमेंशन लाइन के लिए और सेंटर लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। 2H जो होता है सेक्शनल लाइन और हिडन लाइन, सेक्शन लाइन के लिए जैसे किसी भी पार्ट का जो सेक्शन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और हिडन लाइन मतलब छिपी हुई लाइन। पीछे आप लोग ड्राइंग में जो भी इंजीनियर का ड्राइंग बनाया होगा उनके बाद उनको पता होगा हिडन लाइन क्या होता है, मैं इसको ड्राइंग के माध्यम से बताऊंगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और जो H होता है वो ऑब्जेक्टिव और लेटरिंग होता है, जो लेटर शो किया जाता है उसमें होता है। और जो HB होता है वो डायमेंशन और बाउंड्री लाइन को, जो बाहर बाउंड्री होता है उसको शो करने के लिए, या तो डायमेंशन को शो करने के लिए, जैसे मानिए कोई भी ऐसे
एक शेप है जिसका डायमेंशन को हमें शो करना है 10 mm या सेंटीमीटर, इसको शो करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख लें तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं, जिनको ये ज़रूरत है, फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उनको शेयर करिए और उनसे कहिए वीडियो को लाइक करें। अगर उनको कोई त्रुटि लगे तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकें, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।